अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन के शामी कबाब। रेसिपी को आप इफ्तार में बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे, उसमें आधा किलो हमने बोनलेस चिकन ले लिया, उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और चिकन के पीसेस को थोड़ा बड़ी साइज में रखेंगे। अब इसके अंदर हमने 200 ग्राम चने की दाल को पहले से हमने 3-4 घंटे भिगा के रखे थे, चने की दाल भी इसमें डाल लेंगे। चने की दाल गलने टाइम लगता है, इसलिए हमने थोड़ा उसे भिगा के रखे थे। अब इसके अंदर बड़े साइज का कांदा कट करके डाल देंगे। एक चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें 3-4 सूखी लाल मिर्ची, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिरी और आधा चम्मच इतना जीरा डाल देंगे। सूखी लाल मिर्ची को 2 टुकड़े कर इसमें डाल देना है। अब सूखी लाल मिर्ची डाल दिए, अब इसके अंदर नमक जाएगा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अब इसमें एक गिलास जितना पानी डालकर इसे हमें बॉईल कर लेना है। सारे मसाले को पहले चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल होने के लिए हम रखेंगे। अब सारे मसाले को चिकन में अच्छे से हमने मिक्स कर दिए। अब कुकर का लीड लगाकर इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी ले लेंगे और लो फ्लेम पे 3 सीटी ले लेंगे। इससे हमारा चिकन अच्छे से गल जाएगा। ये कुकर को हमने पहले से ही ठंडा करके रखे थे। अब इसे खोलकर हमने चिकन को देख लिया, ये अच्छे से गल चुका है और दालें भी इसमें अच्छे से गल चुकी है। अभी इसे हमें मैश कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी हैंड ब्लेंडर या मैशर हो, उससे आप मैश कर सकते हैं। अभी चिकन के मसाले को पहले हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब सारा मसाला हमने निकाल लिए। अभी ये हमने पाव भाजी मैशर लिए, इसे अच्छे से प्रेस कर करके सारे मसालों को हमें एकदम मैश कर लेना है। दाल को भी अच्छे से मैश कर लेंगे और चिकन को भी रेशा होए तक हम इसे मैश कर लेंगे। इसे आप दाल घोटनी से भी घोट सकते हो। अभी सारे मसाले को हमने अच्छे से पाव भाजी मैशर से मैश कर लिया। अब इसके अंदर जो हमने खड़े गरम मसाले डाले थे वो निकाल लेंगे। उसके अंदर ऑलरेडी हमने बॉईल करते टाइम पे सारा टेस्ट और फ्लेवर हमारे मसाले में आ चुका है। अभी अच्छे से इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे और इसमें और कुछ मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें काला नमक डाल देंगे, नमक हमने पहले भी डाले थे वो हिसाब से इसमें नमक डाले। एक चम्मच इसमें हमने चाट मसाला पाउडर डाल दिए और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए। अब इसमें एक छोटा सा कांदा हमने बारीक कट करके डाल दिए और एक मुट्ठी हरा धनिया बारीक कट करके डाल दिए। हरा धनिया थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे, इससे टेस्ट और खुशबू अच्छी आती है। अभी सारे मसाले को हाथों से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब मसाला हमने मिक्स कर लिया, अभी हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे और चिकन का थोड़ा सा बैटर लेके इसे हम राउंड शेप में टिक्की के ऐसा बना लेंगे। चिकन शामी कबाब बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। अभी इसे हमने राउंड शेप दे दिया है और इसे अब प्लेट में रख देंगे और सारे चिकन के मसाले का हम पहले टिक्की बना के ले लेंगे। यही तरीके से हम बना लेंगे। अगर आपको कोई और शेप देना है तो आप इसे दे सकते हो। अब हमने सारे चिकन मसाले का राउंड शेप बनाकर टिक्की रेडी कर ली है। अब हम कोटिंग के लिए एक प्लेट में 2 अंडे ले लेंगे और उसमें हल्का सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। अब दोनों चीज़ को फेंट लेंगे। अगर आपको कोटिंग में अंडा नहीं डालना है तो आप कॉर्नफ्लावर से भी पानी में डालकर उसे डिप करके फ्राई कर सकते हो। अगर आपको बैटर में ही डायरेक्ट अंडा डालना है तो वैसा भी आप करके इसे फ्राई कर सकते हो, पर हम अलग से इसे डिप कर फ्राई करेंगे। एक टिक्की ले लेंगे और इसके अंदर अंडे को अच्छे से हम कोट कर लेंगे और फ्राई पैन में हमने पहले से ही तेल गरम होने रख दिए थे। एक एक करके इसमें चिकन शामी कबाब को फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। इसे पहले मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। ये जब हल्के से गोल्डन हो जाए तो हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से हमें अल्टी पल्टी कर फ्राई करना है, क्योंकि इसमें चिकन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। अब सारी टिक्की हमने डाल दी और तेल में 1 सेकंड के लिए हमने चिकन शामी कबाब को सेट होने देंगे। 2 चम्मच के सपोर्ट से इसे आराम से हम टर्न कर लेंगे। फ्राई करते टाइम हमें एकदम ध्यान से फ्राई करना चाहिए। अभी अच्छे से हमने अल्टी पल्टी कर फ्राई कर लिए। गैस का फ्लेम लास्ट में हाई करके इसे अच्छे से गोल्डन कर लेंगे।
अब हमारे चिकन शामी कबाब अच्छे से गोल्डन भी हो चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। अब इसे एक स्ट्रेनर या छन्नी में लेके सारा तेल हमें इसमें निकाल लेना है और इसे प्लेट में रख देना है और यही तरीके से सारे शामी कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। ये एकदम सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे हम ग्रीन चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सॉफ्ट और जूसी हमारे चिकन शामी कबाब बनकर रेडी है। ये रेसिपी को आप भी सेम यही तरीके से ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।